आज की वीडियो में साथियों बात होगी सीने में लगातार जलन होना, एसिडिटी या अम्ल पित्त के विषय में। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश शैंबक्सी एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राकेश सिंह बक्सी पर। आज का विषय है आयुर्वेद में सीने की जलन या एसिडिटी या अम्ल पित्त के उपचार की क्या व्यवस्था की गई है, क्या खाएं क्या ना खाएं या किस प्रकार की औषधि प्रयोजन किया जाए कि आपको सीने की जलन या एसिडिटी या अम्ल पित्त से निजात मिल जाए। पाचक अग्नि या जठराग्नि से ही हमारे शरीर में हमारी आयु, बल, वर्ण, स्वास्थ्य, उत्साह, वृद्धि, कांति और ओज और तेज शरीर में जो दिखता है या बनता है वो सारा हमारा जठराग्नि या पाचक अग्नि से ही बनता है। ये चार प्रकार की होती है साथियों अग्नि। पहली है तीक्ष्ण, जो बहुत जल्दी खाने को पचा देती है। दूसरी है मंद, जो बहुत ही धीरे धीरे खाने को पचाती है। तीसरी है विषम, कभी तो तीक्ष्ण होती है और कभी मंद हो जाती है। और जो चौथी प्रकार की है वो है शमान पाचक अग्नि। ये जो पांचों प्राण हैं या कहें हमारे शरीर की सारी गतिविधियां हैं ये पूरी अग्नि पर ही निर्भर करती हैं। पंच प्राण में प्राण, शमान, व्यान, अपान और उदान, ये वायु हमारे शरीर में जो प्रवाहित होती है वो भी इस पाचक अग्नि पर ही निर्भर रहती है। जब हमारे द्वारा हमारे शरीर को लगातार शोक, भय, चिंता, डर, इन मनोवेगों के कारण से हमारी जो आत्मा है वो विक्षुब्ध हो जाती है, उस कारण से हमारी अग्नि प्रकुपित हो जाती है। ये अग्नि से ही ये सारे, जैसा मैंने पहले बताया, आयु, बल, बुद्धि, विद्या, ओज, तेज, उत्साह, वृद्धि, इसी से नियंत्रित होते हैं। जब सही अग्नि होती है तो ये उत्पन्न होते हैं, वरना नाना प्रकार के रोग, यदि अग्नि हमारी प्रकोपित हो जाए तो नाना प्रकार के रोग होते हैं। किन कारणों से होती है अग्नि प्रकोपित, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो विषाद, भय, शोक, चिंता या डर, इन कारणों से अग्नि प्रकोपित होती है। दूसरा कारण है अत्यधिक भोजन करना या बहुत कम भोजन करना। इसके बाद अगला जो कारण है वो है बहुत अधिक चरपरे, मीठे, जंक फूड और तेलीय पदार्थों का सेवन करना। चाय, कोको कोला, मदिरा, तंबाकू, कॉफ़ी, इनका अत्यधिक सेवन करना। ये भी कहा गया है साथियों, जब तक अग्नि जिंदा है हमारे शरीर में, सही है, तब तक आयु रहती है। जैसे ही अग्नि समाप्त हुई वो मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, निश्चित है। और तीसरा, यदि प्रकोपित हो जाती है तो नानाविध रोग उत्पन्न होने लगते हैं। उन्हीं में से एक है सीने में जलन। जब लगातार आपकी आंत्र विक्षुब्ध होती रहती है शोक, भय, चिंता, क्रोध के कारण, तो हमारी आंत्र विक्षुब्ध हो जाती हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में जो एसिडिटी है, जलन या अम्ल पित्त होने लगता है। तो बहुत जरूरी है कि हमारी अग्नि प्रकोपित ना होने पाए। इसके लिए सबसे पहले इन कारणों से दूर रहना चाहिए हमको, भय, शोक, चिंता, क्रोध, इनसे दूर रहते हुए भोजन का अंतराल एक निश्चित समय पर रखना चाहिए हमको। जैसे सुबह यदि आप 8:30 बजे नाश्ता करते हैं या 9 बजे तक, तो 4 घंटे बाद आपको भोजन लेना चाहिए 1 बजे करीब। इसके बाद 6 घंटे बाद सायंकालीन भोजन, लगभग वही मान लें आप 7 से 8 के बीच में, और रात्रि में 8 के बाद या 9 बजे के बाद पानी के अलावा कुछ भी अतिरिक्त नहीं लेना चाहिए। पानी या दुग्ध का सेवन सिर्फ किया जा सकता है। लगभग 14 से 16 घंटे पेट हमारा रात्रि में खाली रहना चाहिए। हल्का सुपाच्य आहार लेना चाहिए, कम मसाले वाला लेना चाहिए।
इसमें लौकी है, गिलकी है, करेला है, बथुआ, पालक, मेथी, टमाटर, ककड़ी, शलजम, मूली, गाजर आदि का समावेश करना चाहिए, ताकि आपको फाइबर की मात्रा जब आपकी पेट में पहुंचेगी तो आपकी पाचन शक्ति बहुत ही अच्छी रहेगी। पाचन शक्ति संबंधित दो वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ, वो आप इसमें देख लें, पाचन शक्ति को मजबूत कैसे करें या पाचन तंत्र को दुरुस्त कैसे रखें, ये भी आप देख सकते हैं। साथियों, इसके अलावा पानी की मात्रा जो है वो 2 से 3 लीटर प्रतिदिन रखें, अपने दिन भर में 2 से 3, यानी कि 10 से 12 गिलास पानी आपको पीना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। फलों को भी आप एक निश्चित स्थान प्रदान करें, प्रतिदिन अंगूर है और संतरा, सेव फल, अनन्नास, अमरूद, ऋतु फल, एक सामान्य पेट में भारीपन, जलन या सामान्य एसिडिटी की अवस्था में यदि उपचार कर लिया जाए तो एक तो इन ये साधारण से 3-4 परिवर्तन आप अपनी लाइफ स्टाइल में कर लें, उसके साथ ही आप कुछ छोटे छोटे से योग हैं उनका प्रयोग करें। जैसे हिंगाष्टक चूर्ण है, रात्रि में थोड़ा सा 1 चम्मच हिंगाष्टक चूर्ण ले लें, या लवण भास्कर चूर्ण है, वैश्वानर चूर्ण है, हिंगू बटी है, इनमें से कोई भी साधारण प्रयोग 1-2 हफ्ते के लिए आप प्रयोग कर लें तो आपको इन चीज़ों से एसिडिटी से, अम्ल पित्त से, या कहें कि छाती में जो जलन होती है या दाह पड़ती है या डाह बोलते हैं जिसको, ये होने लगती है तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। अब यदि आप लगातार इसकी उपेक्षा करते रहते हैं तो आगे जाके आपके मुंह में खट्टी डकारें आने लगती हैं, यानी कि जो एसिड है वो मुंह तक आने लगता है, और वो बार बार जब आता है तो आपके ईसोफेगस या आमाशय में छाले या व्रण बन जाते हैं। जब लगातार ये स्थिति बनी रहती है बरसों तक, तो आप ये माने कि व्रण बन जाते हैं, और जैसे ही आप खाना खाते हैं उसके बाद आपको जलन होने लगती है। तो यानी कि ये इंतहा होती है, आपका शरीर आपको इंडिकेशन दे दे के परेशान हो चुका है, आपने उसका इंडिकेशन को समझा नहीं और उन कारणों को दूर नहीं किया है, तो अब सतर्क हो जाएं। अपने भोजन के अंतराल या समय को निश्चित करें, एक बार तेज भूख लगने के बाद ही भोजन करें। सबसे अच्छा ये होता है कि आपको जब भूख लगाए तब भोजन करें, भोजन इतना अधिक ना करें कि ठूस ठूस कर या कहें बहुत अधिक खा लेते हैं। इसका ऐसा नियम है कि 50% आमाशय आपका भोजन से, 25% पानी के लिए जगह है, और 25% जगह जो है वो हवा के लिए होना चाहिए। इसके बाद भोजन में 40% हरी सब्जियां, फ्रूट्स, इनका समावेश करना चाहिए। शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा दें, योगासन, कटिचक्रासन, पश्चिमोत्तासन, मंडूकासन, भुजंगासन, ये आसन यदि आप कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छे हैं। इनको समझने के लिए बाबा रामदेव का जो योग या टीवी या कहने चाहिए मोबाइल पे, यूट्यूब पे इनका चैनल है, उस पे आप देख के इन आसनों को सीख लें। यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो 4 किलोमीटर पैदल चलने की आदत बना लें। शारीरिक गतिविधि को आप बढ़ावा देंगे तो निश्चित तौर पे आपकी पाचन शक्ति मजबूत रहेगी। दुख, चिंता, क्रोध, भय और डर से दूर रहें, इनसे बचे रहें, क्योंकि बार बार जब आपकी आंत्र विक्षुब्ध होती है तो इन कारणों से भी आपको एसिडिटी या अम्ल पित्त की शिकायत हो सकती है। वैसे तो इतने बदलाव करने के बाद किसी औषधि की आवश्यकता रह नहीं जाती है। यदि आपने ये सारे बदलाव अपना लिए तो औषधि कोई ज़रूरत नहीं, और यदि इसके बाद भी आराम नहीं हो पा रहा है हार्ट बर्न में या अम्ल पित्त या एसिडिटी में, तो उसके लिए अभिपित्तिकर चूर्ण बहुत शानदार अमृत योग है आयुर्वेद में, इसका आप प्रयोग कर लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। सूत शेखर रस भी एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है, ये आप शहद के साथ सुबह शाम 2 टाइम ले लें। धात्री लोह, त्रिफला मंडूर करके भी बहुत अच्छी औषधि है, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। अग्निमुख रस या लीला विलास रस, इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, कोई अच्छे चिकित्सक से
से परामर्श करने के बाद ही इन दवाओं का आप सेवन। यदि मुझसे आप किसी विषय को लेकर परामर्श करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मेंबरशिप ज्वाइन कर लें आप, उसके बाद आप अपना नंबर छोड़ दें या कमेंट्स में मुझसे बात करें तो मैं आपसे पर्सनली फ़ोन पे बात करूंगा और जो भी परामर्श आपको लेना है मैं आपको बता दूंगा। मेंबरशिप जो शुल्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 89 रुपीज़ रखी है मैंने, और सुपर थैंक का भी एक ऑप्शन है, सिर्फ 40 रुपये की राशि आप पे करके एक बार के लिए आप कोई भी बात कर सकते हैं, कमेंट्स कर दें आप, या 200 रुपये वाला भी एक सुपर थैंक है, ये अलग अलग है, ये आप करके मुझसे परामर्श कर सकते हैं। आज मैं आपसे लेता हूँ विदा, नमस्कार।